नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं आपको 50 पैसे बिजनेस आइडियाज बताने जा रहा हूं, या 50 पैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी या 50 पैसे बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। ये पूर्णतया वीडियो जो है एक गरीब फैमिली से आधारित है, किस तरीके से एक गरीब फैमिली ने अपने आप को अच्छे तरीके से ढाल करके सिर्फ 15,000 रुपये से स्टार्टिंग करके आज की डेट में 500 करोड़ रुपए तक का मालिक कैसे बना, किस तरीके से अपने आप को स्केल अप किया, और अगर देखा जाए तो कई सारे बाद में प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, तो आखिर क्या था इनके पीछे स्ट्रेटजी, इसके बारे में बताने चाह रहा हूँ। अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक गरीब आदमी है, या एक गाँव से बिलोंग करते हैं, टोटल स्ट्रेटजी जो है ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी या बिजनेस स्ट्रेटजी टोटल ये जो है एक पुअर क्लास या विलेज एरिया के पर ही आधारित है। अगर आप गांव के हैं, गरीब हैं या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इनके पॉइंट्स को समझो और अपने आप को अच्छी तरीके से इंप्रूव करो। बहुत लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, उन सारे लोगों के लिए बहुत जबरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए आप लोगों के ये स्टोरी, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही लाभकारी साबित होने वाली है। जैसा कि आपको पता, आम लोगों की एक मिडिल क्लास फैमिली के तरीके से जो सीके रंगनाथन सर थे, इनके भी पेरेंट्स जो थे, इनके भी पिता जो थे, उनका नाम था चिन्नी कृष्णन, जो कृषक थे और फार्मास्यूटिकल जो व्यवसाय में थे। ठीक है, मतलब एक कृषक, आम आदमी, गांव का आदमी एक कृषक ही होता है, वो एक किसान ही होता है। तो सेम सिचुएशन इनके ऊपर भी लागू थी, ये भी एक किसान ही थे। बट देखिए, एक चीज़ और भी हो जाती है, जो घर का कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, तो जो ये चिक शैम्पू के जो ऑनर थे, इनके जो चिक शैम्पू के जो ऑनर थे, इनकी शिक्षा दीक्षा भी सही तरीके से नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर थे और इनको पढ़ाई में इनका मन भी नहीं लगता था। इनका जो था, इनकी पढ़ाई जो थी, एक मिडिल क्लास, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का अगर नाम गवर्नमेंट्स कॉलेज सुना जाए, सबसे लोअर क्लास की अगर पढ़ाई होती है, इसी तरीके से कॉलेज में पढ़े थे और अपने आप को अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट किया था। और बात करूं, अगर इनके 3 ब्रदर्स थे और 3 भाई के होने के साथ साथ इनका एक भाई जो अच्छा खासा वकील था और दूसरा जो डॉक्टर था, बट ये प्रेजेंट टाइम में कुछ भी नहीं थे, एक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब शिक्षा जब ये ग्रहण कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण करते करते अचानक से एक प्रॉब्लम्स आ गई, और क्या हुआ, इनके पिता का देहांत हो गया। और जैसे ही पिता का देहांत होते, कर्जा बहुत सारा था, एक मिडिल क्लास फैमिली में कर्जा तो होता ही है, जब कर्जा बहुत सारा था तो कर्जे को निपटारा करने के लिए इनके जो फैमिली ने एक फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया, और उस फैमिली बिजनेस में इनको इन्वाइट किया, सीके रंगनाथन जी को, और ये फैमिली बिजनेस में जा करके वर्क करने लगे। और जब ये वहाँ पर वर्क करना इन्होंने स्टार्ट किया, अब वर्क करना तो स्टार्ट किया, बट इनको सही ढंग से वहाँ पर जो है ये काम नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे और इनकी उनसे कुछ कहा सुनी हुई, और जिसकी वजह से इन्होंने वो जो है वर्क वहाँ पर रिजाइन मार दिया, और इनके पास सिर्फ उस टाइम जो है 15,000 ही रुपए अवेलेबल थे। बट इनका एक शौक था, जो ये जब ये पढ़ाई कर रहे थे, इनके पिता जो है जब एक्सपायर होने के बाद, ये कुछ समय तक इन्होंने क्या थे, इन्हें जानवर पालने का बहुत बड़ा शौक था, और जिसकी वजह से 1500+ पक्षी इनके पास थे, पालतू जानवर थे, जिनकी वजह से जिनको ये सेल करके अपना पॉकेट मनी निकाला करते थे और अपने जो है आपको कुछ इंप्रूव करते रहते थे। तो देखिए, एक चीज और भी आ जाता है यहां पर कि आदमी के पास जब पैसे नहीं होते तो अपने पैसे कमाने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्रिप्स का यूज़ करता है, बस वही और ट्रिक्स एंड ट्रिप्स उनका बिजनेस का कारण बन जाता है। और इनका दूसरा जो तरीका था, वो इनका शैम्पू बनाने का था, जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी इनकी थी, वो टेलकम शैम्पू तो पहले से बनाती थी, और ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में थे, तो वहाँ पर शैम्पू कैसे बनता है ये तो इन्हें पता था, पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में पता नहीं था। तो जब इन्होंने क्या किया, कंपनी छोड़ा, तो कंपनी छोड़ने के बाद इन्होंने ये एनालाइज किया। अब इन्होंने पहला टॉपिक जो इनके साथ था, इनके पहला टॉपिक जो इनके ऊपर काम कर रहा था, वो ये काम कर रहा था कि आखिर मैं करूं क्या। जैसे कि आम आदमी है, गरीब आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली वाला आदमी सोचता है कि मैं करूं क्या, कौन सा बिजनेस करूं, किस तरीके से बिजनेस करूं, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आ गई। इन्होंने अपने ब्रेन का यूज किया, इन्होंने ये सोचा कि जो मुझको आता है और दुनिया की जिसकी ज़रूरत है। आप भी इसी तरीके से अपनी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आती है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इनको एक चीज़ आती थी, जानवर को पालना और उसको सेल करना, नंबर 1। नंबर 2 नहीं आती थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में थे, उनको शैम्पू बनाना आता था।
तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये दिमाग लगाया कि अगर मैं जानवर पालता हूँ और उसे सेल करता हूँ तो शायद मैं इतना लॉन्ग टर्म तक नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम में इसकी स्केलेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि लोग गरीबी ज़्यादा है और गरीब आदमी तो इस तरीके को जो खरीद सकता नहीं है, तो इसमें कोई यूनिकनेस तो ला नहीं सकता मैं कि जो है कि जानवरों को जो है कम प्राइस पे लोगों को सेल करूँगी, इसमें खर्चा उतना ही आएगा। तो इन्होंने उस सिचुएशन में क्या किया, तो चाहे क्यों ना मैं जो है एक शैम्पू बना करके लोगों को सेल किया जाए, जो 50 पैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। और उन्होंने उस समय क्या किया, उस टाइम का फ़ायदा उठाया, यानी इन्होंने इनोवेशन किया। नंबर 2 आता इनोवेशन, इन्होंने क्या किया उस टाइम, क्या था, टेलकम पाउडर जो था वो बहुत महंगा आ रहा था, टेलकम जो शैम्पू था बहुत महंगा आ रहा था, जिससे कि एक गरीब आदमी एफोर्ड नहीं कर पाता था उसे था, और मिडिल क्लास फैमिली तक भी नहीं पहुंच पा रहा था, सिर्फ एक अमीर आदमी के पास था। और जो इनके प्रोडक्ट थे, इनके फैमिली प्रोडक्ट थे या और भी जो प्रोडक्ट मार्केट में इनके कंपटीटर थे। अब 3rd नंबर पे आ जाता है, इनके कंपटीटर से इन्होंने किस तरीके से अपने आप को बीट किया। अब जो कंपटीटर थे, इनके सारे जो प्रोडक्ट थे, ये सारे प्रोडक्ट बड़े बड़े शोरूम्स में लगते थे और ये बड़े लोगों को ही टारगेट करते थे। अब इन्होंने क्या किया, अपने दिमाग का यूज किया और माइंड का सही यूज करके इन्होंने ये देखा कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, दुनिया में 95% आदमी तो मिडिल क्लास हो गरीब आदमी है, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो एक जो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट जो बनाते हैं 5% लोगों को टारगेट करते हैं, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो अपना टारगेट बनाऊँगा वो टारगेट बनाऊँगा जो है एक गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास फैमिली को, मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। अब एक अमीर आदमी एक बार में 40 रुपये या 80 रुपये खरीद करके एक डिब्बा खरीद लेता था शैम्पू का और जिसे वो यूज़ करता था। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या ऐसा सिस्टम बना दिया कि अगर आदमी के पास 40 रुपये नहीं है तो आए 50 पैसे हमें दे और हमसे प्रोडक्ट ले जाए, ठीक है, 50 पैसे हमें दे और हमसे प्रोडक्ट ले जाए। अब उस सिचुएशन में इन्होंने क्या किया, 50 पैसे का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया शैम्पू। अब 50 पैसे का प्रोडक्ट लॉन्च किया, फिर इन्होंने क्या किया, लोगों से एक मेल जोल बना करके रखा। और उन्होंने क्या किया कि जो है लोगों ने पहले साल इन्होंने लोगों से मिलजुल करके काफ़ी प्रयास करके सिर्फ जो है 20,000 पाउच ही सेल कर पाए। पहले साल इनको ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, पर सेकेंड ईयर से इनका मुनाफा होना स्टार्ट हुआ। जब मुनाफा होना स्टार्ट हुआ, अब इनको क्या था, अब इन्होंने क्या किया, जैसे प्रेजेंट टाइम में पुराने लोगों की स्ट्रेटजी पर नए लोग फॉलो करते हैं, जैसे जियो ने क्या किया था, आपको कुछ समय के लिए डेटा फ्री दिया था, इन्होंने भी क्या किया, क्या ऐसा है किसी भी जो है कंपटीटर का, आप हमको पाउच ला करके दोगे या डिब्बा ला करके दो, 5 पाउच या 5 डिब्बा ला करके दोगे, मैं आपको एक क्लिनिक प्लस फ्री में दूंगा, ठीक है, सॉरी चिक शैम्पू आपको फ्री में दूंगा। अब इतना कहने के बाद लोग क्या थे, इनके पास ला ला करके जो डिब्बे थे या फिर जो भी पाउच थे इनको देने लगे। अब इनको जब देने लगे तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर माइंड्स का यूज़ किया और कुछ समय तक तो ऐसा लिया, लेकिन बाद में जब हर घर में इन्होंने जो भी ब्रांड्स जो भी आदमी यूज़ करता था उसके हर घर में इन्होंने क्या किया, अपना चिक शैम्पू पहुँचा दिया। पहुँचाने के बाद इन्होंने अपने वो जो प्रोसेस था उसे चेंज कर दिया, इन्होंने कहा कि अब आपको क्या करना है, 5 पाउच आपको सिर्फ चिक शैम्पू के ला करके देना है, फिर आपको एक फ्री मिलेगा। अब इतना करते ही इनका जो है हाई लेवल पर जो है पहुंच चुका बिजनेस। अब इनका पहले इनका क्या था, 35,000 रुपये पर मंथ की इनकी सेलिंग थी। अब जब 35,000 रुपये पर मंथ की सेलिंग थी, फिर इनको इससे ऐसा करने से इनकी सेलिंग में कई गुना बढ़ोतरी हो गई और ये सेलिंग 12 लाख रुपए हो गई। अब 12 लाख होने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी का नया यूज़ किया और जिसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। इन्होंने क्या किया, अब अमला को एक शो के बाद एक शो करवाया और इस शो के बाद इनकी बिक्री जो है करोड़ों में होने लगी, ठीक है, 1 करोड़ पहुंच गई। और हाँ, बीच में इन्होंने एक और नया इनोवेशन किया था, जिसमें इन्होंने क्या किया, लोगों को सुगंध देने के लिए या चमेली ऑयल देने के लिए इन्होंने क्या किया था, परफ्यूम वगैरह देने के लिए और भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिससे क्या हुआ, इनकी थ्रू जो है 30 लाख रुपये पर मंथ इनकी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई अर्निंग नहीं, इनका टोटल सेल जो है 30 लाख रुपये हुआ। लेकिन बाद में जब इन्होंने अभिनेता के साथ एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया, तब इनकी जो है और भी हाईएस्ट स्ट्रेटजी इंक्रीज हुई और ये 1 करोड़ रुपये तक पर मंथ पहुंच गई, ठीक है। फिर बाद में जब लोगों ने इनसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद इनसे पूछा कि आपने जो आपको 15,000 रुपये आपके पास थे, वो 15,000 रुपये ने आप
वो 15,000 रुपये में आपने क्या क्या खरीदा। तो इन्होंने बताया कि मैंने 250 रुपये पर मंथ पर किराए पर जो भाड़ा दिया था, जो हमने जगह ली थी वो 250 रुपये पर मंथ ली थी और उसमें मैंने 1,000 रुपये पे किया था। फिर उन्होंने बताया कि 300 रुपये पर मंथ हमने कारखाने के लिए लिया था, ठीक है, और 1,200 रुपये पर मंथ हमने जो है एक और जगह किराए पर ली जहाँ पर मैं स्टोरेज करता था, और 3,000 मैंने शैम्पू बनाने की मशीन खरीदी थी। और ये बिजनेस मात्र 4 लोगों से स्टार्ट किया गया था, मात्र 4 लोगों से स्टार्ट करके बिजनेस 15,000 रुपये लगा करके इतनी जगह लेकर के 4 लोगों से स्टार्ट किया गया। अब प्रॉब्लम्स आ रही थी, इनका जो बिजनेस तो चलने लगा था, बट अब लास्ट एक पॉइंट से आ जाता है जब आदमी का बिजनेस अच्छा खासा रनअप पे आ जाता है। लगभग जैसे कि 25,000-30,000 रुपये सेलिंग हो रही थी, अब इनको क्या था उस समय लोन की आवश्यकता थी, बट उस टाइम कोई लोन बैंक देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। क्योंकि लोन लेने के लिए तैयार इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इनको जो है कोलेटरल की आवश्यकता थी और वो इनके पास थी नहीं, ठीक है। जब इनको कोई लोन देने गया तो इनको लगातार 3 साल तक इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। 3 साल स्ट्रगल करने के बाद इनको जो है एक बैंक ने सेंक्शन किया 25,000 रुपये का लोन, 25,000 रुपये का लोन, और वो 25,000 रुपये का लोन इस टर्म पर सेंक्शन किया गया क्योंकि इन्होंने लगातार जो है भारतीय टैक्स को भर रहे थे और इनका कुछ जो मॉडल था बिजनेस मॉडल वो सबसे यूनिक था, सबसे अलग था। तो बैंक मैनेजर ने यह कहा कि इनको मैं बिना शर्त पे लोन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, इन्होंने सारा तो किराए पर ले रखा है, बट हाँ इनका जो मॉडल है बिजनेस मॉडल वो यूनिक है, यूनिकनेस है, सभी लोगों से हट के है। और हाँ, ये हर साल अपना टैक्स पे करते हैं जिसकी वजह से मैं इनको लोन देने के लिए तैयार हो गया। तो इन्होंने पहले क्या किया, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में लोग क्या करते हैं लोन लेकर के खर्चा कर लेते हैं, बट उस समय इन्होंने क्या किया, 25,000 रुपये का जो लोन पे करने के बाद उनको बैंक ने फिर दोबारा इनको 4,00,000 रुपए का लोन मिला, फिर इसके बाद इन्होंने दोबारा फिर पे किया, तब इनको क्या 15,00,000 रुपए का लोन मिल गया। इस तरीके से इन्होंने अपने आप को अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया। फिर 1992 में इन्हें दक्षिण भारत का टॉप नंबर का ब्रांड बन गया, और टॉप नंबर का ब्रांड बनने के साथ साथ इन्होंने और भी कई सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। इन्होंने क्या किया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है कि जैसे कि लोगों को इन्होंने आदत डलवाई, फ्री पाउच बांटे, इसलिए जैसे लोग पता नहीं था उनको होता क्या है, ये गांव के लोग थे, विलेज एरिया के लोग थे, पहले मिट्टी वगैरह से और दुनियादारी से मिला करके या किस तरीके से जो है बालों को धुला जाता था, बट इन्होंने क्या किया लोगों को उसकी आदत डाले, फ्री पाउच दिया। कई सारे लड़कों के जो है बाल धुले गए सामने, कई सारी भीड़ इकट्ठा करके और अनाउंसमेंट हुआ, भीड़ इकट्ठा उनके सामने बाल को धुला गया, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में एक जो है इस तरीके छाप हो गया कि हर आदमी एक छोटा सा छोटा रिक्शा वाला से लेकर के एक पर डे भीख मांगने वाला तक अगर चाहे तो 50 पैसे खर्चा करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, अपने बालों को सही ढंग से ले सकता है। उसमें जो सुगंध जब मिलाया गया तब और भी तेज़ी से इनकी स्केल अप बढ़ गई। तो और फिर इन्होंने क्या किया, 1998 इन्होंने कर्मचारी सुझाव प्रतियोगिता का आयोजन किया जहां पर कोई भी कर्मचारी कोई भी सुझाव दे करके उस प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकता है, जिसकी वजह से इनको और भी कई सारी जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस आइडियाज़ का नॉलेज हुआ और उन्होंने कई सारे और भी बदलाव अपने बिजनेस में किए। क्योंकि हर एक कर्मचारी जो काम कर रहा था उसने ये काफ़ी सारी जानकारी दी किस तरीके से अपने बिजनेस को इंक्रीज किया जाता है, कहां कहां पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस तरीके से इन्होंने बहुत सारा बिजनेस किया। बाद में इन्होंने फेयरनेस क्रीम भी लॉन्च किया, फिर इन्होंने अचार लॉन्च किया जो 5,000 टन जो है इन्होंने सेल किया, सौंदर्य प्रसाधन लॉन्च किए गरीबों के लिए, इत्र पहले क्या था एक जो सेंट्स आती थी वो क्या थी अमीर सिर्फ यूज करते थे, बट बाद में इन्होंने क्या किया ऐसी सेंट्स लॉन्च की तो एक गरीब आदमी भी इसे यूज कर सकता था और अच्छे खासे अपने आप को मेंटेन रख सकता था, तो इन्होंने उसका भी यूज किया और अपने आप को काफ़ी सारा इम्प्रूव करके इन्होंने जो है आगे बढ़ करके हिस्सा लिया और उन तक पहुंचाया। तो आशा करता हूँ आप सब कुछ अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इसमें कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करिएगा, मैं आपको जो है हर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इसे हर हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर दो ताकि अगर आपका एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, सिर्फ एक शेयर, इतनी स्ट्रांग इतनी ज़बरदस्त अपने इंडिया की कहानी कोई आपको नहीं बताएगा। ये अपने भारतीय कल्चर की स्टोरी है किस तरीके से इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।